हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास वीवो का फ़ोन आया है, वीवो Y12s, जो कि CPU AMD के हैं और जी उसमें FRP लगी हुई है। तो दोस्तों, आज हम टीम वर्क के थ्रू से हम उसकी FRP हम अनलॉक करेंगे। दोस्तों, ये हम ऑनलाइन FRP अनलॉक करने जा रहे हैं और TFM के मदद से। तो दोस्तों, हम पूरी इसमें A to Z पूरा प्रोसेसर दिखाएंगे कैसे हम इसको अनलॉकिंग करेंगे। तो दोस्तों, TFM हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम MTK हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये पूरी वीडियो देखना, हो सकता है आप भी सीख जाए कैसे होता है ऑनलाइन काम। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसमें ये हमारा PC इसका क्लाइंट का न्यू है, जो कि हमें इसमें ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम TFM इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी हम TFM इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, पूरी शुरू से लास्ट तक वीडियो पूरी रहेगी, कोई कट वगैरह कुछ नहीं होने की। तो दोस्तों, इसकी वजह से आप भी ऑनलाइन काम सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसमें MTK देख लेंगे, हमारा इसमें MTK ड्राइवर है या नहीं है। अगर जी नहीं है तो फिर ये ड्राइवर भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इसके PC में MTK ड्राइवर नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम इसको TFM को हम ओपन कर लेंगे, फिर हमें यहाँ पे इसका MTK ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना है। दोस्तों, हम यहाँ पे अनलॉक टूल का ड्राइवर हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये ड्राइवर सब मोबाइल पे वर्किंग करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस पे ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ से थोड़ा टाइम ले लेगा। अगर जी यहाँ से भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने PC में हमने डाउनलोड करके रख रखा है, यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, कॉपी पेस्ट हमने कर दिया। करने के बाद हम इसको ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा MTK ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इसका ID पासवर्ड डालेंगे, जो कि हमने इसको रजिस्टर करवा रखा है। अगर जी आपने रजिस्टर नहीं करवा रखा है, हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो, हम रजिस्टर कर देंगे। ये दोस्तों 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का इसका मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपना ID पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद फिर से हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ हमारा लॉगिन हो चुका। अब सबसे ऊपर हम इसका मॉडल सर्च करेंगे, सॉरी इसका वीवो सर्च करेगा। यहाँ पे इसका मॉडल सर्च करेगा, वीवो Y12s। ये हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमें करना क्या है, उसको क्लाइंट को बोलना है मोबाइल ऑफ करके ओनली USB केबल कनेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, अभी ये हमारा क्लाइंट, अभी ये देखो, देख सकते हो, ये हमारा क्लाइंट ने ये मोबाइल कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है, बस 30 सेकेंड ले लेता है। हमारा फ़ोन ये बुरी तरह से अनलॉक हो चुका है। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।